Congratulations. Thank you. The response is getting a huge from the audience. Web series which has been made in your note. So what do you like to say about the response you are getting? Actually, रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया है और मुझे इतना अच्छा लगा ये जान के कि ऑडियंस एक स्पिरिचुअल थ्रिलर, एक अच्छी स्टोरी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी स्टोरी में ना तो यू नो गालियाँ हैं, ना कुछ यू नो कुछ ऐसा वैसा है. पूरी अच्छी सिंपल स्टोरी है, लाइफ चेंजिंग स्टोरी है और वो ऑडियंस ने पसंद किया है. तो आई एम एवर सो ग्रेटफुल, देयर इज़ होप. मैम, जब आपने लिखी थी तो कभी सोची थी कि इसके ऊपर कभी वेब सीरीज या कोई मूवी बन सकती है? नहीं, इस कहानी के ऊपर मैंने नहीं सोचा था कि वेब सीरीज बनेगी, क्योंकि इट्स ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव स्टोरी. लाइक द एंटायर स्टोरी इज इन द एयरक्राफ्ट, बहुत टर्बुलेंस है, बहुत कंप्यूटर ग्राफिक्स लगेंगे. तो मुझे लगा कि इतना बड़ा बजट तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, बट Zee5 took the leap and did such a fantastic job and for that I'm ever so grateful. मैम, बुक का कवर भी चेंज दिख रहा है. हाँ, ये नया बुक लॉन्च किया है हमने. एक्चुअली बहुत कम बुक्स में ऐसा होता है कि टाइटल भी चेंज करते हैं, लेकिन ये सीरीज़ इतनी सक्सेसफुल रही है कि हमने टाइटल भी चेंज किया. आई विल गो विद यू से द फाइनल कॉल और अर्जुन रामपाल का फेस ऑन द कवर एंड टुडे ओनली इट हैज़ कम फ्रॉम द प्रेस. ओके, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर? अभी मेरी दूसरी बुक भी वेब सीरीज़ में बन रही है, द वाइज मैन सेड. उसे 10 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. थैंक यू, मैम, हैव अ प्लेजर. Hi, how are you doing? I'm fine. All well? Long time. Okay, Arjun sir, first of all, big, big congratulations. अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से, बहुत ही अप्रिशिएट किया गया आपके कैरेक्टर को भी. सो कैसा रिस्पांस मिला अब तक और कितने सेटिस्फाइड हो पहले? बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है टू द शो. और आई थिंक जिस तरीके से आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि शो को कितना अप्रिशिएट किया है लोगों ने, वो जो सब्सक्रिप्शन जो बेस्ड जो होता है Zee5 का, इट वाज एट 60 मिलियन, इट वेंट अप टू 80 मिलियन
जैसे शो लॉन्च हुई थी. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ प्रूव्स एवरीथिंग. ऑफ कोर्स जितने भी रिव्यूज मिले हैं IMDb की जो रेटिंग है जिस पे आप डिजिटली काइंड ऑफ देख सकते हो कि यू नो शो ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है. इट्स बीन रियली रियली सैटिस्फाइंग. ओके सर, आपकी ये डेब्यू थी ना डिजिटल वर्ल्ड में जी. और हमने देखा है कि डिजिटल वर्ल्ड में जो कैरेक्टर है बहुत ही एक्सप्लोर करने मिला, बहुत टाइम और बहुत कैरेक्टर एक्सप्लोर करने मिलता है. तो इन फ्यूचर कोई ऐसा कोई कैरेक्टर जो एक्सप्लोर करना चाहे आप? देखिए हम लोग एक्टर्स हैं, आपको जिस प्लेटफॉर्म्स बदलते रहेंगे अभी क्योंकि जो डिजिटल का जो दौर आ गया है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक एक्टर को बहुत ही फ्रीडम मिलती है जिस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, जिस यू नो किस तरीके के कैरेक्टर्स वो चूज़ कर सकते हैं, के जो ग्राफ्स होते हैं सेंसरशिप का इतना हैवी हैंड नहीं रहता है ऐसे शोज़ पर. तो यू कैन रियली रियली एक्सप्लोर एज एन आर्टिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर. और ऑडियंस वो ऐसे शोज बहुत सराहती है. सो आई थिंक इट्स रियली रियली अ ग्रेट ग्रेट पीरियड. जो ग्रोथ है डिजिटल स्पेस का हैज़ ग्रोन 262% जस्ट इन इंडिया एंड दैट्स रियली रियली फिनोमिनल. तो इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट इज़ हियर टू स्टे. और जो भी शोज़ आते हैं ऑफकोर्स अगर जैसे कि आप जैसे फिल्म चूज़ करते हो वैसे ही आप शोज़ भी चूज़ करते हैं. आप किरदार देखते हो, कहानी देखते हो, निर्देशक देखते हो और फिर आप अगर सारे लोग अच्छे एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है, एक अच्छी टीम बन जाती है तो आप फिल्म कर लेते हैं. इस शो में क्या खास बात लगी आपको कि आपको लगा कि ये चीज़ करना ही चाहिए? आपने देखी? नहीं देखी तो नहीं जवाब नहीं दूँगा. मजाक कर रहा हूँ. नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ. इसमें इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत ही अलग है हर शो से. एक पायलट जब हम प्लेन पर चढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यू नो जो पायलट है वो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक बहुत ही सेफ और साउंड पहुंचा देगा. लेकिन अगर आपका पायलट ही सुसाइडल है, वो खुद की जान लेना चाहता है, तो सारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो लाइफ है वो ख़तरे में आ जाती है. एंड और फिर स्पिरिचुअली जिस तरीके से वो सारी चीज़ें कनेक्ट की गए हैं, फिलॉसफी जो है शो की वो बहुत ही कमाल की थी. ओके अजय सर, आपको बहुत ही यूनिक यूनिक कमेंट मिले हैं. आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, आपने मैंने बहुत सारे पढ़े कि माचो हैंडसम इतना हमने कोई पायलट को देखा नहीं है. तो ऐसे जो कमेंट मिलते हैं तो कैसा फील होता है और क्या कहना चाहिए? नहीं आई थिंक अच्छे कॉमेंट्स मिले आपके फैंस ऑफ कोर्स आपको यू नो बहुत प्यार देते हैं. एक पायलट कोई भी यूनिफॉर्म पहनना यू नो अगर एक एयरफोर्स पायलट का था जो इस फिल्म में मैंने पहना है या फिर एक कमर्शियल एयरलाइन के पायलट का, जब आप एक यूनिफॉर्म पहनते हो तो कहीं ना कहीं एक जज्बा आ जाता है किरदार में. और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि लोगों ने इन्जॉय किया. मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बहुत खुश हूँ कि उनको शो समझ में आई. क्योंकि क्या होता है कि जब आप 8 घंटे के का कॉन्टेंट बनाते हो यू नो वो 8 घंटे एक साथ एक ऑडियंस को देखना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. तो मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर हैं विजय निशिकांत कामत ने भी काफ़ी एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे, उन्होंने जो भी काम किया है इट्स बीन रियली रियली फिनोमिनल. Okay, lastly, any upcoming projects that you'd like to share after? Yeah, there's many. We're going to be announcing it soon. Okay. Wishes for Eid. Wishes for Eid. Okay. Hi, aap sabhi ko meri taraf se Eid Mubarak and have a feast. Enjoy yourself. Thank you, thanks. First of all, ma'am, a big, big congratulations for the web series of your Abhay. Thank you so much. So, what kind of comments have you got until now, which was unique and appreciated? I think the best thing, compliment that I got was the fact that I played the cop very convincingly, because you know, Hamesha, I always used to get this thing wherein people used to say I don't look like a cop,
because I feel, you know, they feel that I'm too feminine and too, you know, dainty and everything to play a cop. But everyone said that, you know, I kind of matched up to Kunal quite well. So I think that for me was quite a compliment. Okay, sir, ये पहली बार होगा जो आपने cop का role किया action. इसके पहले हमने आपको action में नहीं देखा है. So how was the experience और कितना अलग था जो पहले के आपने जो role निभाया अभी के जो action पे. मैंने 7 hours to go में एक्शन किया था बट ऑफ कोर्स ये कम्प्लीटली डिफरेंट है क्योंकि जॉनर बहुत अलग है सेंसिबिलिटी फॉर्म एवरीथिंग बहुत अलग है ऑफ कोर्स लखनऊ में बेस्ड है तो हम लोगों का जो कैरेक्टराइजेशन था जो यू नो जो जिस तरीके से अप्रोच किया था कैरेक्टर को वो बहुत अलग था थोड़ा बहुत एक्शन करने को मिला अभय में मज़ा आया हमेशा एक्शन करने में बहुत मज़ा आता है मुझे एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू प्ले बैडास कैरेक्टर्स सबसे इनफैक्ट जितने भी मेरे यू नो एक्टर दोस्त थे सब ने अप्रिशिएट किया है एंड एवरीवन रियली यू नो चाहे काफ़ी मेरे डायरेक्टर्स हैं जैसे कि साबिर हैं सिद्धार्थी मल्होत्रा हैं उन सब ने मुझे यू नो मैसेजेस भेजे कि यू नो दे एंजॉयिंग वॉचिंग मी इन अ रोल लाइक दिस ओके मैम इसके अलावा बहुत ही जल्द आपकी मूवी फिर की आने वाली है सो क्या स्टेटस है वो कितनी कंप्लीट हो चुकी है क्या कंप्लीट हो चुकी है हम लोग अभी डबिंग कर रहे हैं तो आई थिंक डबिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ थोड़े टाइम में आ जाएगी बात थैंक यू अरविंद ओके सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों को अभय एक अलग ही एक्सपीरियंस एक नए रोल में देखने मिला आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना लोगों का प्यार मिला पहले तो ये जानना चाहिए बहुत अच्छा रहा और मुझे कहना होगा कि मुंबई थ्रिल्ड विद द रिस्पॉन्स जो मिला है क्योंकि यू नो फिल्मों में तो आपको कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पता चलता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स है लोग रिव्यूज़ में पता चलता है वेब स्पेस में मुझे पता नहीं था कि हाउ डू यू एक्चुअली कम टू नो आई मीन चैनल आपको बताता है बट उसके अलावा हाउ डू पीपल बट सोशल मीडिया पर आई सीन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स देयर इज बीन जो डायरेक्टली लोगों का रहा है उसके अलावा कहीं सारे दोस्त हैं लोग देख सकते हैं उसको देखा उन्होंने भी सरा तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कुछ नया मैंने ट्राई किया इस साल आई रियली थॉट दैट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस एंड वी पुट इन ऑल आवर हार्ड वर्क टू डू इट बट द फैक्ट इज़ व्हेन जब उस तरह का प्यार आपको जनता से मिलता है जो लोग एक्चुअली सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को और इस शो को देख रहे हैं देन इट्स वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आज हम सक्सेस पार्टी में हैं मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैंने शो देखा बहुत पसंद किया एज इट इज़ आई एम ह्यूज फैन ऑफ डिटेक्टिव सीरीज़ तो कुणाल को एक डिटेक्टिव के रोल में देख के एक इंस्पेक्ट मतलब रोल में देख के बहुत ही अच्छा लगा एंड इट वॉज वेरी फास्ट पेस्ड जो स्टोरीज़ उन्होंने चुने थे आई थिंक दे वर बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज इज़ वेल तो राइटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द नेक्स्ट एपिसोड ओके मैम सर दोनों से आपसे जानना चाहेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उस पर जो कंटेंट जो एक्सप्लोर किया जा रहा है बहुत ही अच्छा अलग अलग जो कंटेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स में जो जो अलग अलग जो कंटेंट्स आ रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में स्पेशली उसके बारे में क्या कहना देखिए मुझे कैरेक्टर एक्सप्लोर करने में मुझे लगता है कि बहुत सारे मौके मिले हैं कई सारे राइटर्स फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को कई सारी चीज़ें ऐसी ट्राई करने की जो कहीं ना कहीं फिल्मों में नहीं आ पा रही थी क्योंकि कई कहानियाँ ऐसी हैं जो आप 90 मिनट में या 100 मिनट में नहीं बता सके कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं बन पा रहे थे क्योंकि कॉस्ट रिकवरी और यू नो जिस तरह से फिल्मों का बिजनेस चलता है
वही हुआ कि पिछले दो सालों में लोगों को समझने में समय लगा कि ये OTT प्लेटफॉर्म जो है इनका बिजनेस मॉड्यूल क्या होगा, किस तरह से होगा, लेकिन अब लोगों को पता चला है कि इतनी सारी ऑडियंस है जिनके पास ये एपेटाइट है. मोबाइल फ़ोन्स नए TV बन चुके हैं लोगों के, जहाँ पे लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं. तो इस वजह से, इस माध्यम से कई सारे लोगों को मौका मिला है नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने का, एक्टर्स को नए जॉनर्स में यू नो एक्सपेरिमेंट करने का, राइटर्स को नई नई तरह की कहानियाँ बताने का. सो ऑब्वियसली इट्स बीन अ बूम एंड इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं. मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी सब्सक्राइबर बेस है जो OTT प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे देख रही है इस देश में. Like Kunal said, I think one of the things is that there are options now for producers. जिनके लिए theatrical distribution मुश्किल होता है, they can do a straight to digital release. लोगों के लिए भी आसान होता है, कभी कभी मुश्किल होता है to reach the cinema, पैसे खर्च करना, टिकट पे अपने पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखना महंगा हो जाता है. तो to watch it from home, so many options. So I think that it's created a wonderful diversity for audiences. जैसे आपने कहा, अलग अलग genres भी explore कर सकते हैं, अलग अलग actors को देखने का मौका भी मिलता है. मलंग फेब्रुअरी नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी. बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेकर, क्योंकि मोहित के साथ कलयुग के बाद अब 15 साल के बाद काम कर रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. आई एम एक्साइटेड टू वर्क विद अनिल कपूर, हु आई एम अ बिग फैन ऑफ. आदित्य के साथ मैंने अभी कलंक की थी एंड आई एम रियली एंजॉइंग वर्किंग विद हिम ऑन दिस फिल्म, इवन दिशा. तो एक खास कहानी जो अगले साल आप लोगों के सामने लाएंगे. और इसके अलावा गो गो गॉन भी आ रही है 2, जी हाँ, मस्ती होने वाली सैफ सर के साथ वापस से. उस पे तो अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, तो उसमें अभी समय शुरू होने में, बट ऑब्वियसली दैट्स वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिल्म्स टू माय हार्ट एंड आई कांट वेट टू स्टार्ट वर्किंग. ओके सो मैम, आप कितने एक्साइटेड हैं सैफ जी और पुना जी को साथ में देखने के? मैं तो उनको साथ साथ में हर वेडनेसडे थर्सडे देखते हैं, डिनर साथ में खाते हैं, बट आई थिंक दैट देयर केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन इज रियली गुड. और मुझे गो गो गॉन बहुत पसंद आई. एज अ व्यूअर आई एम रियली एक्साइटेड टू सी पार्ट 2. हरी अप एंड मेक इट प्लीज. Okay, thank you. I have a pleasure in you. So, thank you. Plans for Eid and wishes for Eid. Okay. Ji. Plans and wishes for Eid. Always, I think Eid is always an opportunity for the whole family to come together. You know, we always wear new clothes. That's a tradition. You know, there's a little bit of Eid that goes around. And now I'm no longer the youngest person in the family, so I have someone to give Eid to as well. And you know, eat good food. Yeah. Spend time with family. हम दोनों की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत सारी मुबारक. Have a very happy Eid. Thank you. Thank you.